हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है आलू सूजी का एकदम क्रिस्पी और नया नाश्ता, जिसे देखकर आप तुरंत बनाने की सोचेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता, इसे 10 से 15 मिनट लगती है बनाने में। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्टफिंग बनाने के लिए 1 चम्मच तेल डाला है, और इसमें डाली है थोड़ी सी राई, जीरा आधा टीस्पून और हींग 2 पिंच के करीब। तो इन्हें तड़कने देते हैं कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद डाल दिया मैंने प्याज, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे। अब डाल दिया इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। गैस का फ्लेम है जो लो रखा है मैंने। अब डाल देंगे इसके अंदर आलू। आलू मैश कर लीजिए या ग्रेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आलू है जो बिल्कुल एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको एकदम सुखा देंगे। अब डाल लेंगे इसके अंदर मसाले, नमक है स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे, हल्दी है जो आधा टीस्पून के करीब है, मिर्च पाउडर ये भी आधा टीस्पून, धनिया पाउडर है ये भी आधा टीस्पून है। इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू के अंदर। तो इन्हें कंटिन्यू चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक मसाले हैं आलू में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आलूओं में मसाले हैं जो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है। अब गैस का फ्लेम है जो बंद कर देंगे, आलू की स्टफिंग अच्छे से ठंडे होने देते हैं। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने एक पैन रखा है गैस पे। अब डालेंगे इसके अंदर पानी। यहाँ पर आपको जितनी सूजी डालनी है उसका डबल पानी डालना है। तो मैं इसके अंदर 1 कटोरी सूजी डाल रही हूँ, तो 2 कटोरी पानी डाला है। पानी अच्छे से गर्म। तो नमक है जो स्वाद के हिसाब से डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली है। तो अब डाल देंगे इसके अंदर सूजी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच जो इसमें मैंने तेल डाला है, थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम है जो बिल्कुल मीडियम रखना है। सूजी है ये एकदम से थिक हो जाती है, तो इसमें थोड़ी सी टाइमिंग देनी है 2 मिनट से 3 मिनट के लिए। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे लगातार, और ये अपने आप ही पैन छोड़ने लगेगी, तो इसका मतलब है ये पक कर तैयार हो जाएगी। तो इसे लगातार चलाते रहना है। तो ये देखते ही देखते डो के आकार में आ जाती है। तो ये देखिए, अपने आप ही पैन छोड़ने लगी है। इसका मतलब सूजी हमारी है जो बनकर तैयार है। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, हल्का सा इसको ठंडा होने देते हैं। तो इसको छूने लायक ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है इसको, बस इतना ही ठंडा करना है कि इसको छू पाए। तो ये हल्की सी ठंडी हो गई है। अब तेल लगाकर हाथों पर इसे अच्छे से, जैसे आटा गूंदते हैं इस तरीके से अच्छे से इसको गूंद लेंगे। तो ये हाथों पे हल्का सा चिपकेगी, तो हाथों पर तेल लगा लें। और आपको जिस भी आकार में नाश्ता बनाना है, तो मैं इसको टिक्की के आकार में बनाऊंगी। तो जैसे कचौरी को भरते हैं, सेम उसी तरीके से ये देखिए मैंने लोइयां तोड़ ली हैं। अब इस तरीके से इसको
बनाएंगे और इसमें रख देंगे आलू की स्टफिंग को, और इसको नीचे की तरफ दबाते हुए इस तरीके से भर लेंगे। और ये देखिए सूजी है जो बीच बीच में से टूट भी जाती है, तो इसको सूजी ऊपर से लगाकर इसे सेट कर लें। ये सूजी है जो एकदम से सेट हो जाती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये टूट गई है। तो जहाँ जहाँ से ये टूट जाती है वहाँ ये सूजी है जो लगा लें, अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये देखिए एक बना ली है मैंने, ये दूसरी है जो इसको बनाकर दिखा रही हूँ मैं। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर देखिए, समोसा कचौरी भूल जाएंगे इसके आगे, ये इतना क्रिस्पी और मज़ेदार नाश्ता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी है जो ये भी भर कर दिखाई है। तो इसी तरीके से हैं सारा नाश्ता बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी को बना लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन करके तेल रखा था गरम होने के लिए। तेल गरम होने पर अब डाल देंगे, ये जितनी आराम से आ जाए उतना डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सभी डाल दी हैं, 5 से 6 बनी थी। अगर आपका ज़्यादा है तो 2 बार करके फ्राई कर ले, तो इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको 2-3 मिनट बाद है जो टच करेंगे, एकदम से इनको नहीं छेड़ेंगे, ये टूट भी सकती हैं। तो इन्हें मैं 2 से 3 मिनट बाद, ये देखिए एक स्पून की मदद से इस तरीके से इनको अल्ट पल्ट कर रही हूँ। तो इन्हें तब तक ये सुनहरे कलर में ना आ जाए, इनको इसी तरीके से अल्ट पल्ट करते हुए सेक लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं करीब, और ये देखिए हल्की सी सुनहरे कलर में आ गई हैं। तो मैंने इनको इतना ही पकाना है, आप इनको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पक गई हैं, ये सुनहरे कलर में आ गई हैं। तो इनको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए एकदम मार्केट की टिक्की वाली जैसी बनी है। तो आप इसे टमाटो केचप या कोई भी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली है सॉस और दही। तो आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।